चाहते हैं, एक ऑपरेटर हैं, आपको अगर दूसरा गाड़ी कोई आता है कैंपर वगैरह तो आप बड़े आराम से रोलर सीख सकते हैं। मैं ऑपरेटर से आपको बात करके बताता। बताइए भाई, आपको अगर कोई रोलर सीखना चाहता है उसको कैंपर आता है तो वो कैसे सीख सकता है भाई? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सब ऐसे ही जैसे मतलब कैंपर है सेम है। थोड़ा घर के बारे में बता दीजिए। ये जो है मतलब ये एक्सीलेटर है, इसको फुल देना चाहिए। हाँ, जब बंद करना हो तो इसको बंद कर दीजिए। हाँ। और बाकी की ये जो गियर है इसको ऐसे पहले करना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहता है ना। हाँ। तो ये जो है तो ऐसे करेंगे तो आगे जाएगा। हाँ। फॉरवर्ड मतलब आगे। हाँ। और रिवर्स मतलब पीछे पीछे। और ये हैंड ब्रेक है, ये लगा रहेगा तो कभी मतलब कोई भी ऑपरेटर देता है तो इसको लगा के ही देता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये वाला हैंड ब्रेक लगा है तो आगे नहीं बढ़ेगा, मशीन आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और ये भी लगा रहता है इमरजेंसी, इसको भी मतलब चढ़ने से पहले, मतलब न्यू आदमी हो चढ़ने से पहले एक मतलब देख लेना चाहिए ये वाला और ये वाला लगा रहता है। हाँ। और मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी है, इसको ऐसे जब फूकेंगे तभी होगा। हाँ। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो ये जाम रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा। और इसी से मतलब इसको ऐसे करेंगे तो यहीं पास रुक भी जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं रहेगा। ये बटन बटन ये बटन वाइब्रेशन बटन है, आगे करेंगे तब चलेगा। हाँ। दाबिएगा, एक बार दाबिएगा तो हो जाएगा। हाँ। और सब तो वही है। अब बटन के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दोस्तों को। ये लाइट वाला है, अपर डिपर वाला, ये लाइट है, मतलब आप फुल दोनों इसमें जलता है। ये इसको तो सभी जानते होंगे, ये मतलब पार्किंग लाइट। हाँ, ये पार्किंग लाइट है। ध्यान देखिए दोस्तों, ये वाइब्रेशन मतलब हाई लो इसमें दोनों है, सामने हाई है नीचे लो है। और ये खरगोश गियर कछुआ गियर है और स्पीड वाला, तो आप लोग स्पीड नहीं चाहिए, सिलो ही चाहिए, सिलो ही चलाइएगा। और ये है मतलब नहीं चढ़ रहा है या कि नहीं बढ़ रहा है तो इसको मतलब लगा सकते हैं, चढ़ाई के लिए है ऐसे नहीं। और पीछे साइड मतलब ये एनी टाइम लगा रहता है, हैंड ब्रेक नहीं लगा है ना, चालू भी नहीं हो रहा, देखो नहीं आ रहा ना। हम आपको चालू करके दिखा देते हैं एक बार। करेंगे तो आगे जाएगा, पीछे करेंगे तो पीछे जाएगा। हाँ। अगर हमको सीधा जाना है तो हम क्या करेंगे? सीधा जाना है तो अगर सीधा जाना है तो हम किसी को सामने देख लेते हैं। हाँ, कोई भी चीज मतलब किसी भी चीज को हम सामने देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम सीधा चले जाते हैं। हाँ। अगर आप एक न्यू ऑपरेटर हैं, अगर आप चांस मारना चाहते हैं रोलर में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बड़े आराम से सीख सकते हैं। इसका ड्रम हो गया, ये जो स्टीयरिंग करता है, आर्टिकुलेशन आपकी भाषा में रोलर में मालूम है क्या बोलते हैं, वैसे आर्टिकुलेशन ही बोलते हैं। ये टायर हो गया, ये हाइड्रोलिक टैंक, ये हाइड्रोलिक टैंक हो गया, ये पीछे का लाइट हो गया, लाइट चला था, यहाँ पे बैटरी लगता है, यहाँ रेडी वाटर लगता है। यहाँ पे पूरा डीजल टैंक हो गया, यहाँ से पूरा अंदर तक ये हाइड्रोलिक हॉर्स पाइप हो गया, ये ऑपरेटर का सीट हो गया, ये केबिन हो गया, हम लोलर हो गया, थोड़ा एक बार चला के दिखाइए। आप देख रहे हैं